आज अगर हम देखें तो फिर से फार्मा शेयरों में तेजी है। कई सारे फार्मा काउंटर्स 2 से 3 दिनों से बज कर रहे हैं, जैसे कि सिप्ला, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, इन सब में अच्छा उछाल है। आज की तेजी को देख के आपको लगता है कोई और फार्मा स्पेस से जुड़ा नाम जहां पे अभी भी मौके हैं? और ये तो रही लार्ज कैप्स की बात, इवन स्मॉल और मिड कैप फार्मा सेगमेंट्स में भी काफ़ी अच्छी तेजी है। स्पार्क जैसे कि एक शेयर है जिसमें आज फिर 8 से 9% का उछाल है। क्या कुछ नज़रिया है आपका फार्मा शेयरों पर? जी, स्पार्क का तो मीन्स वहां पे लिटरली एक स्पार्क ही हमें देखने मिला हुआ है। एक्चुअली तो फायर हमने देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस ने कुछ ही दिनों में 244 के लेवल से सीधा 400 के लेवल की ओर छलांग दी हुई है। टेक्निकली स्ट्रक्चर उसका काफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था पहले 268, और आपके चैनल पे थोड़ी दिन पहले इसको हमने रिकमेंड भी किया हुआ था। लेकिन अभी तो ये स्टॉक प्राइस काफी अच्छा मूव हो गया है, तो जिसके पास ऑफकोर्स पोजिशन होती है वो उसको होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस में स्ट्रक्चरली चेंज आ रहा है। उसके ऊपर स्पार्क में मैं देखता हूँ तो 397 के लेवल पे चल रहा है। उसके नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस कहाँ ना कहाँ पे 410 415 के लेवल के यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। हमने आज का जो ट्रेड का चौका था वहां पे हमने एक अबाउट इंडिया का ट्रेड हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। स्टॉक प्राइस इतना नहीं चला हुआ है, तो यहाँ पे नहीं चला हुआ उसके लिहाज से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छे से यहाँ पे बैठता है। और दूसरे भी मैं काउंटर्स अगर देखता हूँ तो डीवीज लैब का एक फॉर्मेशन जो हुआ था वो मुझे काफी एंकरेजिंग लगा हुआ है। अगेन स्टॉक प्राइस में दूसरे स्टॉक की कंपेयर में इतनी मोमेंटम नहीं आई है, बट आई सी दैट कि यहाँ पे एक मोमेंटम ड्यू हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो इसका काफी टाइम था एक रेजिस्टेंस लेवल थे 3,000 4,000 के लेवल के अराउंड पे, वो हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने मिले हुए हैं। तो अभी इसका नेक्स्ट फेज अपसाइड मोमेंटम मुझे कहाँ ना कहाँ पे 4,300 तक देखने मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम द अबाउट डिविज लैब पे मेरा ध्यान बना रहेगा। तो डीवीज लैब पर नज़र रखिए, अहम लेवल्स और जो स्तर हैं उसके बारे में आपके सामने कपिल ने जानकारी रखी।